हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम उमेश है और मैं इंडिया से हूँ, एक सोलोपनियर हूँ। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप माइपिंग एड्स में जो न्यू अपडेट आई है वो क्या है। ये है माइपिंग एड्स की वेबसाइट और इसमें आपको बताऊँगा मैं न्यू अपडेट क्या आई है माइपिंग एड्स की, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है सब एडवर्टाइजर्स और मार्केटर्स के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, मेरे से कुछ भी आपने पूछना हो या मेरे किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, मैं और भी बहुत सारी डिफरेंट काम करता हूँ, तो आप मेरे यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज पे आकर यहाँ पर आके क्लिक कीजिए और मेरे को आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी आप मेरे को फेसबुक में, यहाँ पर फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक में आप मेरे को यहाँ पर आके कोई भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मुझे कोई भी मैसेज कीजिए, पूछिए कोई भी क्वेश्चन हो तो। ठीक है, तो चलिए अभी चलते हैं माइपिंग एड्स पे। तो इस पर क्या है माइपिंग एड्स पे, नहीं मैं लॉगिन कर लेता हूँ इस पर। अगर आप इसमें अभी ज्वाइन नहीं है माइपिंग एड्स में, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप घर से पैसा बनाना चाहते हैं, ऑनलाइन इनकम करना चाहते हैं, तो माइपिंग एड्स जो है सबसे सुटेबल और सस्टेनेबल प्रोग्राम अभी चल रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। और इसने अभी तक 7 मिलियन, नियर अबाउट 6 मिलियन आप देख सकते हैं पैसे जो हैं लोगों को जो है पे आउट कर दिया है। ठीक है, और 1 लाख से ज़्यादा मेंबर इसमें अभी तक ज्वाइन है। तो चलिए अभी चलते हैं, लॉगिन करता हूँ मैं इसमें। तो आप अगर अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं घर से, अच्छा थोड़ा सा अपना इन्वेस्ट करके पैसे को, आप इसमें बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि रेजिडुअल इनकम आपकी घर से ही स्टार्ट हो जाएगी। चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, कुछ भी हैं, ये दिन का सिर्फ आपका 5 मिनट लेता है दिन के काम जो है इसमें करने का। ठीक है, तो अगर आप अभी भी ज्वाइन नहीं है तो आप कभी भी ज्वाइन हो सकते हैं, कभी मुझे मैसेज कीजिए और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें स्टेप बाय स्टेप काम करना है आपने। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट अपडेट जो आई है माइपिंग एड्स की, ये देख रहे हैं आप, मेरा बैक ऑफिस है माइपिंग एड्स में। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसकी अपडेट क्या है। अपडेट ये है कि जब हम पहले क्लिक करते थे यहाँ पे, जैसे 10 एड्स पे डेली हमने सर्फ करना होता था, जो कि 5 मिनट दिन के लेती है, तो अभी जैसे हम सर्फ करते हैं, इनकी नई अपडेट ये है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आपने मेरी पिछली वीडियोज में देख सकते हैं, जैसे ये देखिए अब लोड हो रहा है पेज। ठीक है, तो अगर मैं इस पेज में, पहले क्या होता था, जैसे ये पूरा लोड होता था तो जैसे मैं किसी और साइड पर भी काम करने चला गया, यहाँ पर चला गया, किसी और पेज पे टैब पे मैंने लाइक न्यू टैब ओपन कर लिया या कहीं पर और काम करने लग पड़ा, तो ये जो है ये बंद नहीं होती थी। मतलब अभी अभी देखिए, जैसे मैं किसी और टाइप पे गया था तो यहाँ पर लिखा गया क्लिक हेयर टू गो ऑन वॉचिंग, तो इसका मतलब है कि ये एड जो है स्टॉप हो गई है, मतलब लोड होना। तो इसका मतलब ये हो कि आपको इसी पेज पे रहना पड़ेगा। अब ये न्यू अपडेट है इनकी माइपिंग एड्स की, जो कि बहुत बढ़िया है, इसी पेज पे जो है आपको रहना पड़ेगा ताकि ये एड पूरी आप देख सको। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्लिक हेयर टू गो टू वॉचिंग, जैसे क्लिक किया हमने तो देखिए अभी दिखा रहा है कि आइडेंटिकल इमेज पे क्लिक करो यहाँ पर। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले हम किसी भी टैब पे जाते थे, कोई जैसे अभी कोई पर्सन है, अभी किसने ज्वाइन किया है, तो वो ये अपना सर्फ एड्स पे क्लिक करके किसी भी टैब्स और टैब्स पे काम करने लग पड़ता था। ठीक है, तो अभी क्या है, इन्होंने ये ऐसा किया है, बिल्कुल टारगेट रखा है कि जो है लीड है वो कहीं नहीं जाए, जो जो क्लिक करने वाला मेंबर है वो कहीं और नहीं जाके इसी साइट पे रहे और उसी की जो एडवर्टाइजमेंट होगी उसको ध्यान से देखे। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट शो होती है इस पूरे पेज पे, अभी ये नहीं हो रही क्योंकि शायद मैंने ब्लॉकर काम कर रहा होगा इस टाइम पे, तो मैंने इसको ब्लॉक करके रखा है, कभी कभी ये शो होती है। तो अभी जो है इसी साइट पे आपको रहकर ये 10 एड्स जो होती हैं डेली की आपको सर्व करनी होती हैं। ठीक है, तो लिखा है क्लिक आइडेंटिकल इमेज टू व्यू टू वैलिडेट साइट व्यू, तो अभी आपको आइडेंटिकल इमेज, इसकी आइडेंटिकल ये है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अभी क्या लिखा है, योर अकाउंट इज सक्सेसफुली क्रेडिटेड, तो अभी हम जाएंगे नेक्स्ट साइड पे। ऐसे करके आपने 10 एड्स पे क्लिक करना है डेली का। अब देखिए जैसे ये फिर से लोड हो रही है, मैं फिर से इस पे जाता हूँ, किसी और टाइप्स पे काम करने लग पड़ता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे काम करने लग पड़ा, किसी से बात करने लग पड़ा, तो यहाँ पर ये रुक गया है। देखो जैसे मैंने नेक्स्ट टैब पे क्लिक किया था तो ये उसी समय रुक गया, 7 सेकंड पे रुक गया। तो इसका मतलब है मेरे को इसी साइड पे रहकर ये काम करना है। अब मैं इसको आपको बताऊंगा कि यहाँ पर क्या फ़ायदा है एडवर्टाइजर का, जो यहाँ पे एडवर्टाइज कर रहे हैं। ठीक है, क्लिक हेयर टू गो ऑन वॉचिंग, तो मैं यहाँ पे फिर से क्लिक करूँगा तो ये फिर से चलना शुरू हो जाएगा सेकंड्स। ठीक है, 10 सेकंड जैसे ही होंगे ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मैं इसको वापस लेके जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके गो बैक टू योर अकाउंट में जाता हूँ। तो इस पे क्या फ़ायदा है एडवर्टाइजर्स का, क्या फ़ायदा है, जो अब मैं भी एडवर्टाइजर हूँ इसमें। ठीक है, मैंने भी जैसे आपकी कोई भी वेबसाइट है आपके पास, कोई भी ब्लॉग का पेज है, या कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं, वेबसाइट ब्लॉग, या आपके पास कोई भी साइट है और डिफरेंट टाइप के आप एडवर्टाइज करना चाहते हैं इस माइपिंग एड्स में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे मैंने सेटअप किया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ अभी। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ परचेज एड पैक पे, जब आप पहली बार रजिस्टर होंगे माइपिंग एड्स पे, तो आप परचेज एड पैक पे जैसे क्लिक करेंगे, मतलब एड फंड्स डालने के लिए इसमें,
तो आपको यहाँ पर ये सेटअप बैनर ऐड दिखेगा, और ये नहीं दिखेगा आपको, ये जो पूरा दिख रहा है ना अभी, ये पूरा आइकन, ये पूरा बैनर जो यहाँ पे है छोटा सा बना हुआ ऐड क्लिक्स और ये वो सारा, ये नहीं दिखेगा। तो आपको सिर्फ ये दिखेगा, आपको यहाँ पे सेटअप बैनर, अ न्यू बैनर ऐड करना है, और आपको यहाँ पर अपना बैनर चूज़ करना है, कौन से साइज़ का आप बैनर लगा सकते हैं, लगाना चाहेंगे, ठीक है। आप बैनर का टाइटल देंगे, बैनर का यूआरएल देंगे, अब डेस्टिनेशन यूआरएल देंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास कोई वेबसाइट है, जैसे मान लीजिए आपके पास है abc.com, तो आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी साइट पर विजिटर्स जो हैं पहुँचें, मतलब विजिटर्स के जो आपकी मार्केट होगी उसके सामने आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो MPA से बढ़िया साइट कोई नहीं है जो कि एडवर्टाइजर्स को हेल्प कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना बैनर सेट करूँगा, यहाँ पर टाइटल दूंगा, जैसे टाइटल दिए मैंने ABC ट्रैफिक, कुछ भी आप देख सकते हैं, जो टाइटल होगा वो होगा थोड़ा सा कैची होना चाहिए, आप कैची टाइटल देंगे। यहाँ पर बैनर यूआरएल जो होगा, बैनर का यूआरएल क्या है, जो एक बैनर लगाना पड़ता है, जो ये हम बैनर सेटअप कर रहे हैं, कोई भी एक करना है, जैसे हमने ये कर लिया, तो इसका 468x60 का हमें बैनर का यूआरएल देना पड़ेगा, यहाँ पर 728x90 करेंगे तो ये क्या हुआ, अभी यहाँ पर बैनर यूआरएल देना है आपने, जहाँ पे आपका बैनर ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है। आपकी कहीं से भी आप अपना बैनर ऑनलाइन पे इंटरनेट पे अपलोड कीजिए, और वहाँ से आप अपना इस साइज़ का बैनर उठा लीजिए 728x90 का, ठीक है। और आपका डेस्टिनेशन यूआरएल वो हुआ जो आपकी साइट हुई, जैसे abc.com हुई आपकी, ठीक है, abc.com। या मैं आपको बताने के लिए, जस्ट डेमो के लिए बता रहा हूँ, तो मैं पर ऐड न्यू नहीं करूँगा क्योंकि ऐड हो जाएगा, तो इसलिए मैं भी इसको कैंसिल करता हूँ। आप समझ गए, डेस्टिनेशन यूआरएल आपकी कोई भी साइट, आपका ब्लॉग, आपकी वेबसाइट, कुछ भी हो, तो वहाँ पर आप ये जा वहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जब जैसे मैंने अपना सेट किया हुआ है, मैंने क्या सेट किया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, मैंने भी अपना, जैसे यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, परचेज एड पैक पेमेंट दोबारा क्लिक किया, तो मैंने यहाँ पे अपना सेट किया हुआ है एक बैनर 728x90 का, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही सेटअप किया हुआ है। तो उसके बाद ही मैं, अगर नेक्स्ट, अगर आपने इसमें अर्निंग करनी है माई पिंग एड्स में, तो उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप जो होता है, ये बैनर सेटअप हो जाने के बाद ही आप बाई एड पैक्स पे क्लिक कर सकते हैं, मतलब शेयर्स परचेज कर सकते हैं। तो बेसिकली माई पिंग एड्स, अगर आप बिल्कुल न्यू, आपको नहीं पता कुछ भी, तो माई पिंग एड्स में शेयर्स परचेज करने होते हैं, तभी आपको शेयर्स की अर्निंग्स जो है उसके लिए एलिजिबल होते हैं आप माई पिंग एड्स से, ठीक है। तो मेरे पास अभी, मैं आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ओवरव्यू में, तो यहाँ पे देखिए आप लेवल है, प्लान वन में आप जाएंगे सबसे पहले, अगर आप स्टार्ट होते हैं $500 के साथ भी, ठीक है। तो ये मेरा अकाउंट है, बैक ऑफिस है माई पेइंग एड्स का। तो अभी मेरे पास 5 रेफरल हैं, अभी पिछले कुछ टाइम में मेरे पास दो दो तीन थे, अभी 5 हो गए हैं। तो मेरे पास, मैंने स्टार्ट किया था 30 एड पैक्स से, तो अभी 62 एड पैक्स जो है मेरे पास अभी यहाँ पे शो कर रहा है, और $163 जो है अर्निंग्स शो कर रहा है, ठीक है। मैं ज़्यादा भी अमाउंट से भी एड पैक्स ले सकता था, बट मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इसका कुछ रीज़न था, और मैंने 630 एड से स्टार्ट किया। तो मैं आपको अपना वो दिखाता हूँ फाइनेंस। तो बेसिकली ये जो था, मैंने आपको बताया कि ये जो था टोटली टारगेटेड, अब जो पीपल होंगे, जो भी हमारे एडवर्टाइजर्स होंगे, उनके लिए बहुत बढ़िया है। जब आप सर्च पे क्लिक करेंगे, तो जो देखने वाला होगा, मेंबर होगा, उसको उसी साइट पे, इसी साइट पे रहना पड़ेगा, रादर देन वो अगर किसी और साइट पे जाता है, तो उसको वहाँ पर जो है वो ऐड वहाँ पर जो है पॉज हो जाएगी, और दोबारा उसको आके कंटिन्यू करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा, इन्होंने माइपिंग एड्स ने एक नया अपडेट दिया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरी अर्निंग हिस्ट्री, ये देखिए आप यहाँ पे, सॉरी पेमेंट हिस्ट्री पे जाता हूँ मैं, चेक कर लेते हैं कहाँ पर है कि। अब देखिए, मैंने स्टार्ट किया था MPA $145 के साथ, $45 के साथ नियर अबाउट, और मेरे को यहाँ पे आप देखिए, मैंने स्टार्ट किया था 21 अप्रैल मार्च 2016 को, ठीक है, $80 $80 के साथ स्टार्ट किया था। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर सामने, ये मेरा, ये जो दिखा रहा है यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर मेरे जो प्रोसेसर का, तो यहाँ से मैं इस वाले को मैंने पे किया है, और जो ब्लैंक दिखा रहा है वो मेरे को कंपनी के थ्रू शेयर मिले हैं, ठीक है। और अभी मैंने मार्च 21 2016 को ज्वाइन किया था, तो $80 से स्टार्ट किया था, $80 से $5 मैंने फिर लगाए, 85, तो 45 और लगाए, उसके बाद मैंने 5 10 और लगाए, 5 और लगाए, तो टोटल मिला के हो गया मेरा $145 ये हो गए। तो मेरे को कंपनी ने शेयर्स जो एक्स्ट्रा दिए हैं, जो मेरे कंपनी के थ्रू अर्निंग्स हुई हैं, मेरा तो लगा है $145, ठीक है। तो अभी मेरे को कंपनी के थ्रू कितने मिल गए, एक मिल गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, चलो आप गिन सकते हैं, यहाँ पे सारे दिए हुए हैं, देखिए पूरे ऊपर तक हैं, 6 मई तक मैं डेली एक शेयर नया परचेज कर रहा हूँ, 5 4 को भी किया है,
तीन को भी है, दो को भी, एक को, तो मैं डेली के डेली एक शेयर या दो शेयर जैसे भी हो रहे हैं कंपनी के थ्रू वो मैं परचेज़ कर रहा हूँ, ठीक है यहाँ पर। तो उससे क्या होता है कि मेरे को अभी आप देख सकते हैं मैं अभी हूँ 60 शेयर्स पे, तो मैंने स्टार्ट किया था, चलो कैलकुलेट करके देखते हैं थोड़ा सा, मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ इसका। मैंने स्टार्ट किया था 145 शेयर से डॉलर लगा के, ठीक है, डिवाइड बाई 5 करेंगे तो मेरे पास अप्रॉक्सीमेट 29 शेयर से मैंने स्टार्ट किया था आप बोल सकते हैं। तो 29 शेयर से जब मैंने स्टार्ट किया था तो अभी मेरे पास जो है यहाँ पर दिखा रहा है MPA के बैक ऑफिस में 62, तो 62 शेयर्स कितने के हो गए, 62 शेयर हो गए इंटू 5 तीन सॉरी 62 शेयर्स हुए ना, तो 30, तो 29 तो हमारे पास पहले ही थे, तो चलो 30 लेके चलते हैं, तो 32 शेयर्स लेके चलते हैं, 32 इंटू 5 $160 के शेयर्स मेरे को फ्री में जो है कंपनी के थ्रू 1.5 महीने के अंदर, क्योंकि मेरे 1.5 महीने का टाइम पीरियड हुआ है अभी कंपनी में, तो 1.5 महीने के अंदर मुझे $160 के शेयर्स जो है कंपनी के थ्रू मिल गए, ठीक है, और मैंने लगाए थे 145, तो 160 एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। और अभी मैं देखिए अभी आज भी परचेज करके हटा हूँ अभी शेयर्स अपने, और मेरे को अभी दोबारा ये $3.27 दिखा रहा है मेरे बैक ऑफिस में, तो ये डेली के डेली ग्रो हो रहा है, और जो है अर्निंग्स भी डेली ग्रो हो रही हैं और शेयर पैक्स भी डेली ग्रो हो रहे हैं, और जैसे जैसे ग्रो होते रहेंगे अभी, अब नेक्स्ट मंथ में आप देखोगे अगर मेरा अकाउंट, मैं दिखाऊंगा आपको दोबारा नेक्स्ट मंथ दोबारा, तो मेरा अकाउंट जो है देखना 100 नियर अबाउट मेरे को लगता है 85 के नियर अबाउट होगा, ठीक है। तो मैं आपको सारे अपडेट्स देता रहूँगा, तो ये बेसिकली ये अपडेट मैंने आपको बताना था जो मैपिंग एड्स के थ्रू आया हुआ है, ये बहुत अच्छा अपडेट है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कंपनी को यहाँ पर प्रमोट करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी का लिंक है आपके पास, या कोई भी आपके पास अदर अदर कोई भी ब्लॉग है या वेबसाइट है, उसको आप इजिली प्रमोट कर सकते हैं और टारगेट पीपल के आगे प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपका ट्रैफिक बढ़ेगा उस साइट पे जिस पे आप चाहते होंगे, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं माई पेइंग एड्स, तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा इसमें आप अगर ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आपको ये लिंक मैं नीचे रेफर लिंक है मेरा, मैं इसको लिंक को नीचे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो बेस्ट है, नहीं होना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप कुछ और कर रहे हैं तो वो भी बढ़िया है, बट अगर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस चाहते हैं तो 5 से 10 साल के लिए ये बिजनेस जो है चलने वाला है, और इसको अभी ज्वाइन करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलो अभी मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ, तो फिर बाद में मिलते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको पता है मेरे कॉन्टैक्ट पेज पर आकर आप मेरे को यहाँ पे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।